दोस्तों, आज मैं एक ऐसे दिव्य जड़ी बूटी के बारे में आज बात करूंगा जो भारत में सर्वत्र पाया जाता है। पूरे भारत में आप इसे देख सकते हैं और ये हिमालयन रेंज में भी पाया जाता है। ये ऐसे दिव्य जड़ी बूटी है जो लोग इसके गुणों से अनभिज्ञ हैं और खरपतवार समझकर इसे अक्सर फेंक देते हैं। तो ऐसे ही जड़ी बूटी के बारे में आज आपको बताने आया हूँ, जिसका नाम है चांगेरी। चांगेरी यह पौधे का नाम है। इसे हम त्रिपत्रिका के भी नाम से जानते हैं। संस्कृत में इसे आम्लपत्रिका भी कहते हैं, हिंदी में इसे तीन पत्तियाँ कहते हैं, बंगाली में आमरूल, मराठी में अम्बूटी, पंजाबी में खट्टी बूटी या खट्टा मीठा, गुजराती में आमबोती, द्रविड़ में पुड़िया पुड़िया रई और कन्नड़ में पुल्लू पुल्लूचे। इन नामों से ये प्रचलित है ये घास। जैसा कि मैंने बताया कि ये भारत में सर्वत्र पाया जाता है और लोग इसे खरपतवार के रूप में इसे उखाड़ फेंकते हैं, क्योंकि इसके औषधीय गुणों से वो अनभिज्ञ होते हैं। ये बहुत ही गुणकारी औषधि है और ये भारत में सभी जगह पाया जाता है। इसका प्रयोग हम सिर दर्द में, मुख की दुर्गंध में, उदर सूल में, संग्रहिणी में, अतिसार में भी उपयोगी है, ये ज्वर में भी उपयोग है, यदि किसी तरह का नशा हो जाता है उसमें भी यदि ये उपयोगी है, मंदाग्नि में भी इसका उपयोग करते हैं। यह जो पौधा है वो इसका कसाई रस होता है और उष्ण वीर प्रवृत्ति की ये औषधि होती है। ये कफवत शामक होता है, पित्तवर्धक होता है, शोथहर होता है, वेदना स्थापन, मदननाशक, संज्ञा प्रबोधन, दीपन, यकृत उत्तेजक, रक्त स्तंभन, स्पर्श में शीत, दाह प्रशमन और ज्वरधन है। ये जो बूटी है वो विटामिन सी की बहुत अच्छी स्रोत होती है, इसलिए आप इसे इम्यूनल बूस्ट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। ये जो पौधा है इसमें पोटेशियम और ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसकी ब्रह्म स्वरूप की बात करें तो ये 2.5 से 10 इंच तक लंबा हो जाता है। ये त्रिपत्रकीय और गुलाबी या पीत वर्ण के फल लंबे होते हैं। इसके इसके जो फूल होंगे वो पीले वर्ण के होते हैं और धारियों से युक्त होते हैं। अगर किसी को मुख की दुर्गंध की परेशानी है तो इसके 2 से 3 पत्तों को मुंह में पान की तरह रखने से मुंह की दुर्गंध मिट जाती है। इसके पत्तों को आप सुखाकर दंत मंजन भी बना सकते हैं। इससे मसूड़े अत्यधिक मजबूत और स्वस्थ हो जाते हैं। अगर आपको शरीर में अंदर जलन की शिकायत है, अगर शरीर आपका जलता है, तो उसमें इसके 5 से 7 पत्तों को ठंडाई जैसा बनाकर उसे घोंट कर उसमें थोड़ी मिश्री मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से अंतर्दाह की जो परेशानी है वो मिट जाती है। अगर किसी को मंदाग्नि की परेशानी है, यानी उसके शरीर में अग्नि उतनी प्रज्वलित नहीं होती या खाना ठीक से नहीं पचता, तो इसके 8 से 10 पत्तों को काढ़ा जैसा बना के आप इसके पाचन शक्ति को दुरुस्त करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे भूख खुल कर लगता है। इसके 2 से 5 ग्राम के पत्तों का रस दिन में 2 बार पीने से पेचिस और अतिसार संबंधी परेशानी में लाभ मिलता है। अगर पेचिश बहुत पुरानी है तो उसमें 4 से 5 पत्तों को उबाल कर मट्ठे या दूध के साथ देने से बहुत लाभ होता है इसमें। अगर किसी को खून बहने की परेशानी है, रक्त स्राव होता हो, तो उसमें भी इसके पत्तों का 5 से 10 मिलीलीटर मात्रा में दिन में 2 बार प्रयोग करने से ये रक्त स्राव जो है वो मिट जाता है। अगर किसी को फोड़ा हो गया है और उस फोड़े से उसको अत्यधिक जलन हो रही हो, तो उसमें भी इसकी 10 से 15 पत्तों की लुदगी बनाकर उस पे चढ़ाने से
ये जो जलन की परेशानी है वो मिट जाती है। फोड़े और फुंसियों में भी इसके पत्तों का स्वरस बहुत लाभदायक होता है। अगर किसी को धतूरे का नशा हो गया है तो इसके पत्तों को पीस कर इसका रस निकाल कर 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में यदि उस आदमी को दे दिया जाए तो धतूरे का नशा तुरंत ही उतर जाता है। उदर शूल में भी ये बहुत लाभदायक है। इसके पत्तों के 40 से 60 ग्राम क्वाथ में भुनी हुई हींग व मुरब्बा मिलाकर प्रातः सायं पिलाने से उदर शूल मिट जाती है। यह जो जड़ी बूटी है इसका वर्णन हमारे आयुर्वेद ग्रंथों और चरक संहिता में भी बड़े पुराने कालों से यह प्रचलित है और उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। अगर मूत्राशय में किसी को सूजन है तो इसे पत्तों के रस के साथ मिश्री मिलाकर अगर आप पिए तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। त्वचा के रोगों में भी किसी फंगल इन्फेक्शन में भी इसके पत्तों का रस यदि उपयोग किया जाए तो वो तुरंत ही नाश हो जाता है। किसी को यदि कहीं पे घाव हो गया है और वो घाव जो है सूख नहीं रहा है तो इसके पत्ते का रस लगाने से वो घाव जल्दी भर कर सूख जाता है। इसके पत्तों का स्वाद खट्टा होता है और ये बारहों मास पाए जाने वाली औषधि है। किसी को अगर मसों की समस्या है तो मसों की समस्या में भी यहाँ इसमें बहुत उत्तम लाभ मिलता है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें पत्तों का जो रस होगा उस पत्तों के रस में थोड़ा पानी मिलाकर और उसमें हल्का घी मिलाकर एक पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को रगड़ना है उस मस्से पे। ये ऐसा कुछ ही दिनों में करने पे आपके मस्से उतर जाएंगे। अगर आपको मसूड़े और दांतों को मजबूत करना है तो उसमें इसे पत्तों को जो सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर उसमें लौंग हल्दी सेंधा नमक और फिटकरी मिलाकर इसका मंजन बना ले और उसी मंजन से धोने से आपके दांत और बहुत मजबूत हो जाएंगे। किसी को अगर दांत में पीड़ा हो तो उसमें भी इसके रस को फिटकरी के साथ उबाल कर उससे कुल्ला करने से दांतों की पीड़ा में अत्यंत लाभ होता है। चेहरों पे यदि झुर्रियाँ हो गई हैं तो झुर्रियों को मिटाने के लिए चांगेरी के पत्तों का रस का चंदन के चूर्ण के साथ उसको लेप बनाकर अगर आप चेहरे पे लगाएं तो उससे झुर्रियाँ भी मिट जाती हैं। तो दोस्तों ये थी चांगेरी से जुड़ी सारी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है जड़ी बूटी रहस्य उसको ज़रूर एक बार देखें। वहाँ एक से एक अनेक वीडियो हैं उसको ज़रूर देखें। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।